नमस्कार, मैं शांति सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने बरामद की 6 किलोग्राम हीरोइन। डीसी कार्यालय पर धरना देकर सौंपा मांग पत्र। पंजाब के नौजवान नशे की दलदल में फंसे गुरजीत सिंह। राधे मां केस में केंद्रीय मंत्री विजय सम्पला का जवाब देने से इनकार। हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह लगने वाला विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला शुरू। नाले में मिली सड़ी गली हुई एक महिला की लाश। तीन दलित युवाओं की पिटाई। अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 15 पर जाम। उत्तर धारवाड़ बीओपी के मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने बरामद की 6 किलोग्राम हीरोइन। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीओपी उत्तर धारावी पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद 6 किलोग्राम हीरोइन बरामद की है। बरामद की गई हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 करोड़ रुपए कीमत आकी जा रही है। एक और उपलब्धि हासिल की है। कल रात में हमारी बीओपी उत्तर धारीवाल इस की जो हमारी हिट पार्टीज हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं अलोंग द फेंस, उसमें हमारे एक जवान ने पाक स्मगलर की मूवमेंट देखी तकरीबन 9:30 बजे, और उसने कंपनी कमांडर को भी इन्फॉर्म किया और खुद भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल था करीब आने की उसने कोशिश की। और थोड़ी देर बाद मूवमेंट हुई और उसमें उन्होंने एक पैकेट पहले फेंका और हमारा जवान उसमें इंतज़ार करता रहा। देन थोड़ी देर बाद उन्होंने दो पैकेट और रिलीज़ किए और जब उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ तो हमारे जवान ने उनको ललकारा, जिसमें उनकी तरफ से भी फायर हुआ। और जब फायर हुआ तो हमारे जवानों ने फायर किया। जब पहली बार मूवमेंट नोटिस हुआ था तो कंपनी कमांडर को हमारे जवान ने इन्फॉर्म किया और कंपनी कमांडर ने भी पीछे पोजीशन ले ली थी। तो पीछे में हमने जब चेक किया तो उसमें इंडियन साइड से कोई स्मगलर नहीं था। किसानों के समर्थन में उतरे वाम दल, डीसी के कार्यालय पे दिया धरना। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 6 दिनों से रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों के समर्थन में आज वाम दलों ने भी पंजाब के विभिन्न डीसी कार्यालयों पर धरना दिए। किसानों की मांग के अलावा वाम दलों ने अन्य मांगों को भी डीसी के सामने रखा। यदि किसान वाम दलों से समर्थन मांगेंगे तो वाम दल उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाएंगे। ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ये पंजाब दियां चार पार्टियां जिन्हां विच सीपीआई सीपीआईएम सीपीएम पंजाब ते सीपीआईएम लिबरेशन ये चार पार्टियां पिछले समय तो जनतक मंगां लई लड़ रही ने। साडी अज दे धरने की मुख मंग ये आ कि मजदूरों की घट्टो घट तनखा जी 15,000 रुपया महीना की जाए, जेडे पेंडू गरीब आ उन्होंने 10-10 मरले के प्लाट दिते जान, किसानों की जिहड़ी फसल आ वो चुकी जाए और उन्होंने लाहेवंद भा दिते जान, जिहड़ी किसानी का नरमा उजड़ गया वह उन्होंने जिहड़ा जो मंग कर रहे योग मुआवजा दिता जाए। ये ही जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन आ वो घट्टो घट 3,000 रुपया की जाए। इस तरह दियां 15 सूत्री जिहड़ा मंग पत्र लैके सारे पंजाब दे विच जिला हैडक्वाटर दे धरने लाए जा रहे हैं, इत्थे अमृतसर च भी धरना ला रहे हैं। इस तों अगे साडियां पार्टियां नवे साल चढ़दियां ही जेलां भरन का प्रोग्राम जिहड़ा बना रही हैं कि जे सरकार ने ये गल्लां मंगां ना मनियां तो असीं जेलां जिहड़ियां भरियां जाणगियां। उन्हां दा भरपूर समर्थन आ, अज बादल साहब उन्हां नाल गल कर रहे हैं, अगर गलबात करके उन्हां दा कोई फैसला हो जाता ठीक चंगी गल आ, नहीं फैसला होएगा जिनी भी लड़ाई चलेगी ये चारे पार्टियां उन्होंने समर्थन के डट के उन्होंने हिमायत कर रहे। किसान उन्होंने एक अपनी जथेबंदी अपना एक मोर्चा, लेकिन कोई सियासी पार्टी अपने तौर पर समर्थन जी कर सकती है, ये उत्ते किसी कोई इतराज नहीं होंगे। असी उन्होंने धरने जाके किसी राजनीतिक पार्टी का ढिंडोरा नहीं पटांगे, लेकिन अपने तौर पर जिहड़े असी अपने एक्शन करांगे उन्होंने मंगा समर्थन करांगे, क्योंकि उन्होंने लड़ाई बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है। उन्होंने भी जावांगे जो सदन के जावांगे, जे वो महसूस करनगे जो साडी लोड़ महसूस करनगे असी उस वेले जावांगे, साडे बंदे जाणगे साडे वर्कर उन्होंने शामिल होणगे, उन्होंने हाजिरी वधाउण विच मदद करांगे, जे कोई पुलिस उन्होंने तशद्दुद करदी असी तां डट के खलोवांगे, असी हर पक्षों किसानों के नाल। प्रकाश सिंह बादल की तुलना नेशनल मंडेला से किए जाने पर राजनीतिक आलोचना पर शुरुआत, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। आज साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जिहड़ी प्रकाश सिंह बादल की नेल्सन मंडेला नाल तुलना की गई है, मैं उसकी सख्त लफ्जां च निंदिया करदा हां, क्योंकि नेल्सन मंडेला जिन्हें सारी जिंदगी अपनी 27 साल जेल च रह के शांति स्थापित की और जात पात के विरुद्ध ने लड़ाई लड़ी और उन्होंने नोबल पुरस्कार शांति का मिलया, और ये प्रकाश सिंह बादल जिन्हां ने धर्म के आधार पर राजनीति की लोगों को लड़ाया और अपने परिवार के हित हमेशा अगे रख के पंजाब का बेड़ा गर्क किया। अज पंजाब का नौजवान हर गली दे विच वेखो समैक नाल टीकियां दे नाल नशे च गलदान होया पिया, जिहड़े व्यापारी आ उह सड़कां दे उतरे ने, किसान सुसाइड कर रहे ने, जिहड़ा मुलाजम वर्ग आ उह थां थां धरने दे रहा, और अज पंजाब की जिहड़ी हालात की आ प्रकाश सिंह बादल ने शायद ते मोदी साहब की अखां दे उत्ते कोई चीज़ इहो जी आ गई है, जां उन्हां दा कोई मीडिया जां उन्हां नूं कोई सलाहकार इहो जिहा नहीं मिल रिहा जिहड़ा पंजाब दे हालात उन्हां नूं दस सके। राजीमा केस पर केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने जवाब देने से किया इनकार, हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। राजीमा केस में केंद्रीय मंत्री विजय संपला पर डॉली बिंद्रा ने आरोप जड़े, तो इस पर जब विजय संपला ने सवाल पूछा गया तो पहले वह पत्रकार से कह रहे थे कि छोड़ो ऐसे सवालों को छोड़ो, बाद में कैमरे के सामने से हटते हुए गुस्साए यह कहने निकल गए कि वह इस मामले में कुछ भी बताना या टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझते। अमृतसर में बड़े हनुमान मंदिर में विश्व प्रसिद्ध मनाए जाने वाला लंगूर मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरुआत, हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। अमृतसर के बड़ा हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह लगने वाला विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो गया। इस मेले में नवजात शिशु से लेकर नौजवान तक आते हैं और पूरे 10 दिनों तक ब्रह्मचार्य कर्तव्य के साथ साथ पूरे सात्विक जीवन को व्यतीत करते हैं। इस 10 दिवसीय व्रत का अंत दशहरे वाले दिन होता है। इस हनुमान मंदिर से जो अपने मन की मुराद मांगता है वह पूरी होने पर वह व्यक्ति इस नवरात्र में लंगूर का हर रोज सुबह शाम माथा टेकने के लिए आते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लंगूर का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। हनुमान जी ये तो बहुत बड़ी सुखन होती है। इनकी नानी ने करी थी बच्चों के लिए, तो हनुमान जी ने हमें बच्चे दिए, बस बहुत बड़ी। इसमें प्रेज भी होता है, खुशी भी होती है, और 10 दिन नंगे पाँव रहना, नीचे सोना और कटा हुआ नहीं खाना, किसी के घर नहीं जाना, ये ऐसी चीज़ें मूवमेंट बड़ी अच्छी भी लगती हैं। हम अजनाला से आए हैं, ये मेरे मदर इन लॉ हैं। पहले इन्होंने मन्नत मांगी थी, वो इनकी पूरी हुई है। अब मैंने भी मांगी थी तो हमने इसलिए बेटा होए तो इसलिए हमने लंगूर बनाया, और ये हम 7 दिन पूरी श्रद्धा से
यहाँ पे आएंगे दो टाइम और मतलब नंगे पाओ आएंगे। सर बहुत वधिया लग रहा सानू आए ते महाराज ने सानू बेटा दिता सी असी सुखना सुखी सी ते बस एहो ही कि महाराज मेहर भरिया हाथ रखे इन्हां ते बच्चियां ते बस इन्ना ही कहना चाहते हैं। नियम तो सुन चाहिए कि 8 दिन मतलब कुछ नहीं कट्टिया खाना इस तरह फल ही देना बच्चे नूं दुध पियाओ रोटी खवाओ कट्टिया हुआ फल नहीं देना तो घर में कोई यहो जी चीज़ नहीं यूज करनी ते कितने बाहर का खाना नहीं खाना। गड़की ग्राम के नाले में एक महिला की सड़ी हुई लाश मिली, हमारे संवाददाता शैलेन सिंह की रिपोर्ट। गड़की ग्राम स्थित फादा के बंगले के सामने नाले में दोपहर एक महिला की लाश मिली। सड़ी गली लाश देखकर कुछ लोगों ने परतवाड़ा पुलिस को सूचना दी। प्रभारी थानेदार दल के साथ घटनास्थल पहुंची। यहां पड़ोसी के लोगों से मृत महिला के बारे में पूछताछ करने पर उनकी सिनक गिरजाबाई नंदवसी के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार गिरजाबाई 15 से 20 दिनों पहले बिना बताए निकल गई थी। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का रहस्य खुलेगा। बजे कंधा नहीं रखते से आ रहा था यहाँ बच्चे देखे तो लाश लाश करे तो मैं दौड़ के आ खींचे तो फिर बाद में रुक नहीं रहा मैं। अच्छा अच्छा फिर फोन वगैरह आया तो फिर देखा फिर पुलिस फोन करे बाईची लाश बॉडी पडलेली आहे। तर त्यानंतर आम्ही तपासामधून सरळ गळंकी नाला इथे गेलो घटनास्थळावर। तिथे बॉडी पाहिली असता बॉडी पूर्ण कुजलेला अवस्था, त्यानंतर तिचे पती आणि भावांनी ती बॉडी ओळखली की ती त्यांची 15 दिवसाची मिसिंग झालेली होती गिरिजाबाई बोलते त्या बाईचीच ती बॉडी आहे। आणि त्यानंतर झाला ते झाल्यानंतर आपण जागीच डॉक्टरांना बोलून जाग्यावरच पीएम केलं कारण ती बॉडी आपल्याला उचलता येत नव्हती। पालघर के विरार में 3 दलित युवक की जमकर पिटाई की गई, हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। रात कुछ लोग 3 दलित युवाओं की जमकर पिटाई कर दी क्योंकि आरोपी युवक ने कल रात दारू के नशे में मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक पर उद्घाटन किए जाने के बाद उस विषय में चर्चा कर रहे थे। पिटाई करने वाले सभी युवक विरार में रहने वाले भाई ठाकुर के लड़के के दोस्त है, ऐसा आरोप है। पुलिस ने अनुसूचित जाति प्रतिबंधक कायदा के कलम 3.1.3.10 से अवैध तरीके से जमा होकर महापुरुष का अपमान करना और घातक हथियारों से हमला करने का मामला दर्ज किया है। जख्मी 3 युवकों में से जीत इंगले पत्रकार है और IGN 7 लोकमत में फ्रीलांस पत्रकारिता करते हैं। रात को मैं फ्रेंड के साथ था तो कुछ उसके फ्रेंड के दोस्त मेरे अनपहचान वाले लड़के थे, वैसे तो उनमें से ना उन्होंने औरत के ऊपर से गाली गिली देना चालू किया। अहिल्या भाई सावित्री भाई उनके ऊपर गंदी गंदी गाली देना चालू किया, उसके वजह से उसमें मैंने विरोध किया तो हमारा झगड़ा हुआ तो उसने मुझे मारपीट की। बाद में मैंने सब मेरे घर पर आके मेरे भाई को बोला तो भाई ने बोला चल मैं अपन जाके देखते हैं। तो तभी हम तीनों भाई एक साथ उधर गए तो हमें वहाँ पीटा। हुआ था किस तरह का? कल रात को मेरा भाई जो था वो देर रात हो चुकी थी तो वो घर पे नहीं आया तो हमको चिंता हो गई। हमने उसको कई बार फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी हमने उसके कई दोस्तों को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो अपने स्कूली दोस्तों के साथ में कहीं बाहर गया है। लेकिन हालांकि अब तक उसका कोई भी स्कूल का दोस्त या ये हमको पता नहीं है और कभी घर पे आए नहीं, वो कभी जाता नहीं। तो जब पता चला कि वो विरार वेस्ट में गया है तो मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ कि भाई अचानक से स्कूली दोस्तों के साथ क्यों गया और वो विरार वेस्ट में था। तो मैं उसे ढूंढने के लिए मैं और मेरा छोटा भाई दोनों निकले। उसी दौरान उसका फ़ोन आया कि भाई मैं निकल रहा हूँ और घर पर पहुँच रहा हूँ तू आ मत। तो मला यार तू उस समय वो फ़ोन पे रो रहा था, उसे रोने जैसे आवाज़ आई मला क्या हुआ रे तो मला तू जिधर है तू उधर रुक मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए। तो जब मैं उसे लेने के लिए पहुँचा तो वो मुझे रास्ते में मिला। मला क्या हुआ बता क्या हुआ? बोले मेरे स्कूल का एक दोस्त था वो मुझे लेने आया था, बोला कि भाई उधर बाकी दोस्तों के साथ में जाते हैं तो तू आ जा करके। और वहाँ जाने के बाद वो गंदी गंदी बातें कर रहे थे, लड़कियों के ऊपर अश्लील कमेंट पास कर रहे थे, उस तरह की उनके बातों का शोर
सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर चला गया। जो ये सारी बातें मेरे भाई को पसंद नहीं आई तो उसने उसका विरोध किया, उस समय उनका झगड़ा हुआ, तो वो झगड़ा हुआ तो ये पूछने के लिए मैं उनको गया कि भाई तुम इनको इन महान पुरुषों के ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हो, इनके ऊपर ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो ऐसा ही मैं पूछ रहा था उनको। तो उसी दौरान एक 30-40 जन का झुंड आ गया और हम तीनों भाइयों को उन्होंने खूब पीटा, खूब मारा। उनके हाथों में लाठियाँ थी, रॉड थे, कड़प्पा जैसे होता है स्टूल, जो चीज़ मिले वैसे। पूरे एक घंटे तक हम चारों भाई को बेशक मैं उनसे विनती करता रहा, उनसे हाथ जोड़ता रहा, मुझे छोड़ो, मेरे भाई को छोड़ो, हमको जाने दो, हम नहीं करना चाहते। हम IBN लोकमत के प्रतिनिधि प्रसन्नजीत इंगले है, उनके और उनके भाई इनके कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। उसके भाई के कुछ दोस्तों ने किसी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और थोर व्यक्तियों के बारे में कुछ अपशब्द कहे, ऐसा उनकी तकरार है और उस पर से उसका झगड़ा हुआ। उस झगड़े में इन तीनों भाइयों को मारहान की गई है और इसमें हमने ऑफेंस दाखिल किया है। इसमें 7 लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं और कुछ 25-30 लोग और भी थे, उनका कहना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है कि मेरे लड़के जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लड़के जो है और कभी किसी से झगड़ा नहीं करने वाले, सामाजिक काम जो है ये मैं तो 20 साल से नगर से वो नहीं करना थे, एक 20 साल में ऐसा नेतृत्व तो कर रहा हूँ कि जो जिसे मेरे प्रभाव में हिंदी भाषी मराठी भाषी कम है, उसे यूपी बिहार क्या बोलते तेलुगु ममड़ियन गुजराती ज़्यादा तो हिंदी भाषी के मराठी के बहुत कम लोग है, फिर वो इन लोग का मैं गए 20 साल से नेतृत्व कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ नगर सेवक के नाते। लेकिन ये जो मेरे लड़के के बारे में जो घटना घटी तो इसके लिए मैं कौन से शब्द में उसको निंदा करूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं। अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 15 को कोटकपुरा में जाम कर दिया गया। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। फरीदकोट के गांव बारगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के नज़दीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें किसी शरारती व्यक्ति की तरफ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के करीब 120 अंक मिस को गलियों में बिखेरा था, जिसके रोज स्वरूप सिख संगतों की तरफ से आज बढ़िया अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 15 को कोटकपुरा में जाम कर दिया गया है, जिसमें पुलिस की तरफ से आरोपियों को ट्रेस नहीं किया गया है और उनका धरना साहिबती ढंग के साथ तब तक जारी रहेगा जब तक कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हम बरगाड़ी दे विच भैड़ी घटना की है भी उन्हें समाज विरोधी अंसरां नूं दुष्ट बंदियां नूं प्रशासन है जिहड़ा ट्रेस करके गिरफ्तार करे भी किने कीता है यह कार्रवाई, उहदे करके असीं शांतमई धरना लाया भी उन्नी देर तक चलदा रहो, इन्हां दे बंदे ट्रेस नहीं करते, यह बंदे नूं गिरफ्तार नहीं करते, असीं उन्नी देर बैठे हैं इत्थे। पंजाब में जो बरगाड़ी गांव की घटना है इसकी हम जोरदार शब्दों में निंदा करते हैं और ये शरारती अंसर काफी समय से फिराक में है कि पंजाब का अमन चैन का माहौल जो है बिगाड़ा जाए, तो हम अपील भी करते हैं प्रशासन से, पुलिस से, वहाँ की सरकार से कि ऐसे तत्वों को पकड़ा जाए। और सर्वधर्म का डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत आदर करती है, श्री गुरु ग्रंथ साहब को हम पूर्ण सच्चे संत सतगुरुओं की बाणी समझते हैं और उसके एक एक वाक की इज्जत करते हैं, उसको मानते हैं और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सपने में भी कोई डेरा को मानने वाला ऐसा कृत्य कर सके। और हम ये अपील करते हैं दोबारा से कि सारी साथ संगत आगाह रहे, पंजाब के लोग जागरूक रहें और ऐसे शरारती अंसरों को पकड़ें और सहयोग दें पूरा पूरा सरकार का और प्रशासन का कि ऐसी शरारत को नाकाम किया जाए जिससे कि पंजाब का अमन चैन का माहौल दोबारा से कभी बिगड़ने की स्थिति बने। जवाहर सिंह वाले तो गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप चोरी हुए सी, तो थोड़े चिर बाद एक चिट्ठी भी सोशल नैटवर्क उत्ते पता लगी, चिट्ठी विच लिखा होया सी कि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप असी चोरी किए हैं तो पिंड बरगाड़ी दे विच सरूप है ने, जे तुहाडे विच हिम्मत है तो लभ लो, 10 लाख रुपया असी सलाबतपुर डेरे विच बुला के देंगे, उहदे विच नाम ही बकायदा कुछ प्रचारकां दे लिखे। आज के लिए बस इतना ही, और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।